आज हम न्यूज देखी कि टाटा ग्रुप को एयर इंडिया के ऑक्शन में विनिंग बिडर सेलेक्ट किया गया है, तो काफी अच्छी फीलिंग आई। साथ ही में एक बुरा ख्याल भी आया। पहले अच्छे की बात कर लेते हैं। जब एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था, तब रिपोर्ट्स के अनुसार JRD टाटा को इस स्टेप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। कैसे लगेगा आपको अगर सडनली आपको पता चलता है कि एक ऐसा वेंचर जिसे सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की हो, वो अब आपका नहीं रहा, और ये ऐसे इंसान ने किया जिसे आप अपना दोस्त समझते। कुछ ऐसी ही कहानी है JRD टाटा की एयर इंडिया की, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने नेशनलाइज किया था। तो अच्छा लगा कि टाटा ग्रुप के पास अब एक ऐसा मौका है इसे रिवर्स करने का। अब आते हैं बुरी फीलिंग पर। ऐसे नीलामी की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमारे देश के नेशनल कैरियर की इतनी बुरी हालत कैसे हुई? एक नाम ध्यान में आता है, प्रफुल्ल पटेल, UPA सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर। पर एक इंसान और इतनी बड़ी एयरलाइन कंपनी का सर्वनाश, ऐसा पॉसिबल है क्या? जी हाँ, शायद आप भूल रहे हैं, UPA के टाइम सब पॉसिबल था। तो मिस्टर पटेल के कुछ डिसीजंस पे गौर करते हैं। पहले तो ये कि 2004 तक एयर इंडिया एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो कर रही थी, नेट लॉस था पर काफी कम। इंडियन एयरलाइंस की भी यही स्टोरी थी, दोनों के लॉसेस मिलाकर लगभग 700 करोड़ के आसपास थे। उम्मीद थी कि दोनों एयरलाइंस उभर जाएंगी, पर 2007 तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का एनुअल लॉस था 3000 करोड़ और डेब्ट बर्डन था लगभग 50,000 करोड़। क्योंकि 2003 में डिसाइड हुआ था कि एयरबस से 28 नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, पर UPA सरकार के मिनिस्टर्स ने आते ही पता नहीं क्यों ये ऑर्डर बोइंग को दे दिया और 28 से बढ़ाकर 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया बिना जरूरत के। वो तो अच्छा हुआ कि 40 प्लेन का ऑर्डर बाद में कैंसिल किया गया, वरना न जाने क्या होता। एक ही झटके में एयर इंडिया का कर्जा कमाई से 15 गुना ज्यादा हो गया। दूसरा डिसीजन, इन्होंने दूसरी कंट्री से इंडिया आने वाली फ्लाइट्स तो बढ़ाई पर इंडिया की फ्लाइट्स उतनी ही रखी, और उसके बाद इंडिया के जो स्पॉट्स इंक्रीज हुए वो जेट, किंगफिशर इनको दे दिए। हाँ, एक और बात, पटेल खुद भी दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस लेते थे अपने टूर्स के लिए, एयर इंडिया नहीं। एक तो ये भी कि जब एयर इंडिया बैंक्रप्ट हो रही थी तब भी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स खरीदे जा रहे थे, और पेंटिंग्स थे किसके? AK एंटनी, जो UPA सरकार के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ के। जनाब, इतना भी क्या, कुछ तो भारत की जनता के लिए छोड़ा होता।